हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो आज हम आए पानी पूरी खाने और इनका नाम है पानी पूरी सेंटर का सदगुरु कृपा पानी पूरी सेंटर। और ये है निर्मल में साई बाबा मंदिर है जस्ट उसके अपोजिट में। यहाँ पर इनका स्टॉल लगा हुआ है। आइए इनसे बात करते हैं, देखते हैं कि चाट में आज क्या क्या अवेलेबल है और यहाँ पर टेस्ट कैसा है पानी पूरी का। ओके, काय काय अवेलेबल है तुमच्याकडे? आमच्याकडे खूप सारी व्हरायटीज आहेत। ओके, चीज रगडा, चीज रगडा, ओके, सँडविचचे पण खूप सारे प्रकार आहेत। अच्छा, प्लस भेळ आहे, कोळी आहे, सँडविच मध्ये टोस्ट सँडविच आहे, चीज सँडविच आहे, चिली सँडविच आहे, मसाला टोस्ट आहे। ओके, चिली सँडविच प्राइस का? चिली सँडविच चीज मध्ये 60 आणि नॉर्मल मध्ये 40 आहे। ओके, तर आम्हालाच्यासाठी एक चिली सँडविच बनव आणि अजून काय, सॉरी हिंदी, चीज़ वाला। ओके, तो अभी हमने ऑर्डर किया है, मतलब बहुत सारी चीज़ें अभी उनको याद है, मुझे याद नहीं कि क्या क्या। मुझे ये चिली चीज़ सैंडविच जो है ना, चीज़ वाला, तो वो मतलब अच्छा लग रहा है, सोच रहा है ट्राई करूँ यहाँ पर। अभी देखते हो बना रहे हैं। कब से यहाँ पर स्टार्ट है? हिंदी चलेगा ना? कब से स्टार्ट होंगे? एक साल हो गया। ओके, आपकी मॉम है? ओके, तो आप लोग दोनों साथ में रहते हैं या आप कभी कभी आते हो? मैं कभी कभी आती हूँ। अच्छा, हमेशा रहते? अच्छा, वो हमेशा रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर मतलब ये पानी पूरी का स्टॉल स्टार्ट करने का कैसे आइडिया आया आप लोगों को? घर में बैठे बैठे कुछ करना चाहिए था इसलिए। अच्छा, और इतनी सारी वैरायटीज पहले से आपको घर में खाने को मिलती है ये बनने से पहले? अच्छा, ऐसी मम्मी सबको मिलनी चाहिए। ओके, तो अभी ये सैंडविच बना रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि जब तक वो सैंडविच बनाते हैं ना, क्योंकि बहुत सारी वैरायटीज है और मैं इतना ज़्यादा वेट नहीं कर सकती। आपको तो पता है मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है और देख के मतलब ऐसे लग रहा है ना मैं कब खाऊँ। और पानी पूरी तो अपना फेवरेट है, मैं सोच रही हूँ जब तक पानी पूरी खा लेते हैं ना। आप बनाओगे पानी पूरी? आप क्या करते हो, स्टडीज करते हो? पानी पूरी कैसे प्लेट है? 25 रुपीज़। और कितना पूरी से? 6 6। ओके, रगड़ा वाला ही है ना आपका? हाँ, रगड़ा प्लस आलू मिक्स है। अच्छा, रगड़ा और आलू दोनों मिक्स। ओके, मुझे मीडियम रहेगा। थैंक यू। ये अपना पानी पूरी जा रहा है फर्स्ट वाला। पानी ठंडा है? पानी का फ्लेवर बहुत अच्छा है, एकदम रिफ्रेशिंग है, पुदीना फ्लेवर में। ये घर ही बना ला? हाँ, मैं घर ही बना। मसाला वगैरह सब बना थे है ना? छान छान लगता है। कभी चटने वगैरह सब मैंने खाया था ना, खूब कमी बगित है अभी पानी पूरी दिखता ना। सब भी जैसा भी टाक ले ना, सब सब नहीं चाल है, बहुत टेस्टी है। काफ़ी अफोर्डेबल रखे हैं इन्होंने और कार्ड देख सकते हो, नीट एंड क्लीन एकदम है और हाइजीन भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखा। बस उन्होंने अपने घर के सामने ही लगाया है तो हाइजीन काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखा है और एकदम क्लीनलीनेस है, देख सकते हो आप कार्ड में पूरा। ओके, तो हमारा सेव पूरी ये बन के रेडी है यहाँ पर और देख सकते हो इतना कलरफुल लग रहा है और दिखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर इन्होंने डाला हुआ है धनिया डाला है और मीठी चटनी डाली हुई है। ये गोड चटनी कसली है? खजूर आणि चिंचेची आहे। ओके, हाँ, तो ये खजूर और अपना इमली वाला चटनी है। अच्छा, ते पण झालं 2 मिनिट आहे। तो अपना सैंडविच भी रेडी है, पहले ये खाते हैं, अपना सेव पूरी ना तो सौगी हो जाएगा। और देख सकते हो इसका
वाओ। इसके अंदर देख रहे हो पीनट्स भी डले हुए। अंदर से इन्होंने ना बड़ा वाला जो तीखा सेव रहता ना, थोड़ा चिवड़ा वाला, वो भी डाला हुआ है, और पीनट्स भी है, और जो तीखी दाल होती है ना वो भी है। सारी चीज़ें पड़ी हुई है, अनियन दिख रहा है इसमें, और अभी खाते हैं बस इसको अभी बस। ओके, तो बहुत ज़्यादा इसको पोस्टमार्टम नहीं तक करेंगे अपन। देख रहे हो दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है, और अभी अपन इसको खाते हैं। इसमें इतने सारे अच्छे फ्लेवर्स पड़े ना, चटनी बहुत टेस्टी है, एकदम क्रंची क्रंची लग रहा है, पूरी भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी का और टेस्ट काफ़ी मस्त है। ओके, तो हमारा चीज़ चिली सैंडविच आके रेडी है, और ये देख सकते हो ऊपर से भी इन्होंने चीज़ ग्रेट करके डाला हुआ है। ऊपर से इन्होंने ना जैसे और लिटरली वो मुंबई सैंडविच वाला जो फ्लेवर रहता है ना, जो सूखी ये डालते अपनी सेव डालते हैं पतली वाली, वो डाली हुई है। ऊपर से इन्होंने केचप डाला है, साथ में ग्रीन चिली वाला चटनी दिया हुआ। अंदर इसको देखते हैं थोड़ा सा, इसको टोस्ट किया है, अंदर से फुल ऑन चीज़ी है। इसके अंदर अपना क्या क्या है, मुझे पोटैटो दिख रहा है और सैलेड दिख रहा है। इसको अभी अपन टेस्ट करते हैं और फिर ही अपने को पता चलने वाला है कि कैसा लग रहा है। ये देखो, इसको देखो थोड़ा सा और नज़दीक से, कितना सारी चीज़ें इसमें डली हुई है, और अंदर से एकदम चीज़ी चीज़ी दिख रहा है, फ्लेवर एकदम चीज़ी आने वाला है। खाने से पहले ही बता रही हूँ, खा के देखते हैं। गर्मा गर्म एकदम, वेजिटेबल्स इतने क्रंची लग रहे हैं ना, वेजिटेबल्स का फ्लेवर काफ़ी अच्छा आ रहा है। उसके साथ में जो चीज़ डला हुआ है ना, फ्लेवर एकदम चीज़ी चीज़ी आ रहा, और जो इन्होंने चटनी लगाई है अंदर, ग्रीन चिली वाली चटनी लगाई है, वो भी काफ़ी टेस्टी है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है बट टेस्टी है। थोड़ा सा चटनी हम लोग साथ में लेंगे और अभी इसको खाते हैं। ये बहुत ज़्यादा मस्त है, ये मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। अगर आप लोग यहाँ पर आते हो ना तो ये सैंडविच ज़रूर ट्राई करना, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है ये। और ये जो ऊपर से सेव डाला ना, इसके वजह से जो क्रंचीनेस आ रहा ना, वो भी मस्त है। इसको ख़त्म कर लेती हूँ मैं। तो मैं तो अपना सैंडविच गर्मा गर्म ही ख़त्म करूँगी। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर से एक बार बता देती हूँ, हम आए थे श्री सतगुरु कृपा पानीपुरी सेंटर, जो कि निर्मल में है। मैप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर आते हो तो ये चीज़ चिली सैंडविच ज़रूर ट्राई करना। पानीपुरी यहाँ की बहुत मस्त है, और सेव पूरी भी बहुत टेस्टी है। बाकी सारी चीज़ें भी टेस्टी रहेंगी, बट वो मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, फिर मिलेंगे किसी ऐसी वीडियो में, तब तक